वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और हम आ चुके हैं अपने घर पे। हमारे घर पे शिफ्टिंग का काम चल रहा है और काफ़ी कुछ शिफ्ट हो चुका है और अब हमें चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। कल आपने देखा कि फर्नीचर घर पे आ चुका है, तो अब हमें सारे फर्नीचर को असेंबल करना है और उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। तो अब हम लग जाएंगे इन कामों में, चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करने में। तो घर पे कुछ प्लम्बिंग से रिलेटेड इशू भी है, तो प्लम्बर को हमने बुलाया, तो प्लम्बर वगैरह आए हुए हैं। सिंक से कुछ लीकेज का इशू हो रहा था, तो उसे सॉल्व करने के लिए तो प्लम्बिंग का भी काम चल रहा है और घर भी अरेंज होने का काम चल रहा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि आज ही सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएं और हम प्रॉपरली सेटअप कर लें आज के दिन ही सारी चीज़ें। ऊपर वेद और उनके फ्रेंड फर्नीचर को असेंबल कर रहे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं वो लोग कैसे असेंबल कर रहे हैं। उसके बाद मैं फर्नीचर और बाकी की चीज़ें आपको दिखाऊंगी। अब ये यहाँ पे आएगा, अब यहाँ नहीं आ रहा है तो ये समस्या है। ज्यादा टाइट हो गया है। नहीं तो इससे मतलब सही जगह फिट नहीं हो रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या फर्नीचर बाय किया है। ये स्मॉल वार्डरोब फाइनली अरेंज हो गया है, असेंबल हो गया है। काफी इनिशियली लगा था कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बट जब हम लोगों ने इसको लगाना शुरू किया तो पता चला कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोगों ने बनाया था। ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग है, तो एक डोर स्लाइडिंग है और ये कुछ नहीं, स्क्रू ड्राइवर वगैरह स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। सब कुछ पैचेस लगे हुए हैं, बस हमें उनको लॉक करना होता है, बस बहुत ही इजी गया। बढ़िया है, काफ़ी सॉलिड भी लग रहा है, यूज़ करने में हेवी लग रहा है। तो या ये हमारा सेटअप हो गया है बेड का। किंग साइज का बेड हमने परचेस किया है, मैट्रेस हमने कस्टमाइज करवाया है। एक्चुअली यहाँ पे जो मिलते हैं वो स्प्रिंग और एकदम बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा ट्राई किया है कि हार्ड रहे, बैक पेन का प्रॉब्लम ना आए। और फ्रेम तो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाते हैं, तो फ्रेम का उतना टेंशन था नहीं, तो वो भी हमने नया ले लिया। और मैट्रेस भी हमने एकदम लार्ज साइज़ का सॉलिड बनवाया है। बेसिकली देखते हैं इसका फीडबैक, तो एक्चुअली एक आध महीने बाद समझ में आएगा जब कमर में दर्द नहीं होगा या होगा। तो ये दोनों की कॉस्ट हमको अराउंड 25,000 में गई है, और कस्टमाइज कराया इसके लिए थोड़ा ज़्यादा चार्ज लिए उन्होंने, 2,000 के अराउंड ज़्यादा लिया, क्योंकि उनको एक लेयर एक्स्ट्रा डालनी हुई हार्ड करने के लिए। तो कुछ हमें दोनों चीजें मैट्रेस और बेड दोनों हमें यहाँ पे पड़ा, 27,000। और जैसे कि मैंने हैवी है, काफी है पुराना, लेकिन बहुत ही मजबूत वुड यूज हुआ इस पे। तो यस साइड बेटा, ये रहा हमारा दूसरा वार्डरोब। थर्ड आइटम ये ड्रेसिंग टेबल था हमारा, काफ़ी ब्यूटीफुल है और स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया हैवी, काफ़ी सारे स्क्रू ड्राइवर वगैरह पड़े हुए हैं अभी, तो अभी सामान हमने नहीं सेट किया है। हमने ये सोफ़ा और ये सेंटर टेबल दोनों बाय किया है आंटी के ही यहाँ से। तो ये सोफ़ा 3+2 सीटर और ये टेबल है। सो हमने एक ये आइटम भी बाय किया है आंटी से, इसमें 5 ऐसे सेल्फ हैं और ये हमने बाहर ही लिविंग रूम में रखा है। इस पे जो ऊपर आप डेकोरेटिव आइटम देख रहे हैं वो भी हमने बाय किया है। और इसकी अच्छी बात ये है कि काफ़ी यूज़फुल है, इसमें हम कोई भी सामान अरेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फर्नीचर है हमारा ये यूनिट, काफ़ी सुंदर है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अभी तक मुझे, मैंने जितने भी फर्नीचर बाय किए हैं, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा है।
काफ़ी स्पेसेस है, बहुत सारी चीज़ें रखने की जगह है तो। और ये मुझे मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। मैंने सुना था कि यहाँ के लोग फर्नीचर को काफ़ी अच्छे तरीके से रखते हैं, तो मुझे ये बात अभी सही लग रही है। कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी सारे फर्नीचर में ही ऐसा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आंटी ने रखी थी, तो हमें फर्नीचर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिला। और ये है आज का लास्ट आइटम, डाइनिंग टेबल। ये डाइनिंग टेबल 6 सीटर है और काफ़ी, ये भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली हमें सारा सामान हमने अपनी चॉइस से लिया है, तो सारे सामान ही काफ़ी अच्छे हैं। और इस डाइनिंग टेबल की जो खास बात है वो ये है कि ये ऐसे ओपन हो के लार्ज साइज में कन्वर्ट हो जाती है। और अदर को भी नहीं पता है, अदर खुद सरप्राइज हो रहा है ये चीज़ देख के कि लार्ज कैसे हो रहा है। तो ये ऐसे हम इसे 6 सीटर बना सकते हैं। तो ये है हमारा डाइनिंग टेबल। वेरी गुड है। के घर से हमने ये मिरर भी लेके आए थे, 2 मिरर थे। एक मिरर तो हमने नीचे रख दिया है, इसको अभी देखते हैं कहाँ पे डेकोरेट करते हैं, कहाँ पे रखते हैं। सो हमने सारा फर्नीचर ये जो बाय किया है उसका कॉस्ट हमें गया है 20 पाउंड, मतलब 20,000 रुपये, और 60 पाउंड हमने डिलीवरी चार्जेस दिए हैं वैन मैन को, जो कि है 6,000 रुपीज़। मतलब टोटल जो भी फर्नीचर जो हमने आंटी के घर से लेके आया वो हमें कुछ पड़ा है 26,000 का, जो कि काफ़ी अच्छी डील है क्योंकि फर्नीचर क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी पसंद आया। और जो बेड और मैट्रेस है वो हमने अलग से बाय किया था, जिसका कॉस्ट कुछ 27,000 रुपीज़ है। तो हमने कुछ 55,000 के अंदर सारा शॉपिंग कर लिया है, घर का सारा नेसेसरी फर्नीचर बाय कर लिया है, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हमें मिल गया है। सो हम काफ़ी खुश हैं कि हमें अच्छे प्राइस में अच्छी डील मिल गई है। अभी इसे प्रॉपरली अरेंज करना होगा, फिर ये घर थोड़ा रहने लायक होगा। सारे रूम में कपड़े टॉय सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये देखिए, सो हमारा घर काफ़ी कुछ सेटअप हो चुका है और काफ़ी कुछ सेटअप करना बाकी रह गया है, तो ये काम तो चलता रहेगा। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। तब तक हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपना पैर ऐसे ही बनाए रखो। बाय बाय।